आज पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी का जन आक्रोश देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक श्री राम गौतम और सीताराम मेघवाल के साथ कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अभद्र व्यवहार कर दिया था, जिसके चलते जयपुर के शरारती तत्वों के खिलाफ FIR तो दर्ज करवा दी गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इन असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही चाहती है, जिसके तहत आज राष्ट्रपति के नाम बहुजन समाज पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। SP द्वारा एक धरना दिया जा रहा है, साथ में ज्ञापन। आइए जानते हैं कि आखिर परेशानियां क्या है इन लोगों की, BSP किस बात पे आज सरकार के सामने खड़ी है। सर बताएं, किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब के साथ में जो अभद्र व्यवहार राजस्थान के लोगों द्वारा जो भाजपा कांग्रेस की मिली भगत से किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के लोगों की मिली भगत है, तथा उन पर जो जानलेवा हमला किया गया तथा उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर आज आंदोलन कर रही है और निवेदन कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी एक मांग करती है कि जो भी हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब के साथ जिनने भी जो हरकत करी है, उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन करेगी और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर हद पार करने पर तुल जाएंगे। भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए सर, आप इसको मतलब सरकार को मतलब किस प्रकार से मानसिकता वाली मानती है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है ये मिलीभगत सरकार है और ये निश्चिंत ही पूरे देश के अंदर दलित और पिछड़े विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। इन्होंने कभी भी आज तक पूरे देश के अंदर इतिहास गवाह है कि कभी भी इन्होंने दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों का उद्धार करने की इनकी मानसिकता नहीं है। ये इन लोगों के खिलाफ हमेशा कार्य करती रही है और करती रहेगी। BSP जो है वो आरोप लगा रही है कांग्रेस और BJP दोनों पर कि दोनों ही SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की नहीं सुनती है, तो ये लड़ाई इनकी पहले से जारी है। देखते हैं प्रशासन में और लोगों में इनका क्या मैसेज जाता है। राजेश सिसनोरिया, स्पॉटलाइट न्यूज़ से।